हेलो एवरीवन, आज हम कवर करेंगे सासी, जिसको सिक्योर एक्सेस सर्विसेज कहते हैं। ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है सिर्फ समझने के लिए कि टेक्नोलॉजी क्या है। और अगर आप इस चैनल पे हैं और या मेरे पॉडकास्ट पे हैं तो देर इज अ प्रेजेंटेशन जिसमें कुछ इमेजेस हैं, बट ऑडियो इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो सासी समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नेटवर्क और नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो जैसे कोई भी आईटी बिजनेस है या कोई भी एक बिजनेस है जिसके अंदर आईटी यूज़ होता है, उनको अपने डेटा सेंटर्स बिल्ड करने पड़ते हैं या डेटा सेंटर्स में उनको सर्वर्स रखने पड़ते हैं किसी और के डेटा सेंटर्स में। बहुत सारी कंपनी डेटा सेंटर्स का भी बिजनेस करती हैं और इन सर्वर्स पे अपनी एप्लीकेशंस होस्ट करते हैं। अब वो जैसे एग्जांपल है, कोई शू बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है, वो चाहता है कि उसके जो शू हैं वो एक ऑनलाइन वेबसाइट से वो सेल हो सके। अब ऑनलाइन वेबसाइट की वो सर्विसेज या तो किसी सर्विस प्रोवाइडर से ले सकता है जो वेबसाइट होस्टिंग करती है, या वो खुद ही अपने डेटा सेंटर में सर्वर लगा के, ऑपरेटिंग सिस्टम लगा के वो एप्लीकेशन खुद होस्ट कर सकता है, ठीक है, या किसी और के डेटा सेंटर में रख सकता है। आजकल इसको क्लाउड डेटा सेंटर्स कहते हैं या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स कहते हैं, जो काम इजीली ऑफर करता है। तो इसलिए क्लाउड प्रोवाइडर्स की ग्रोथ हुई है क्योंकि बिजनेसेस को अपने खुद के डेटा सेंटर्स मेंटेन करना नहीं पड़ता। एनीवेज, गोइंग बैक टू द बेसिक्स, तो जब बिजनेसेस अपने आईटी सिस्टम्स कनेक्ट करने लग गए, वो आईटी सिस्टम्स उनके या तो कस्टमर्स के लिए थे या उनके एम्प्लॉयज़ के लिए थे। अगेन शू कंपनी वाले एग्जांपल, अगर कोई बड़ी शू कंपनी है, उसको अपने एम्प्लॉयज़ को पेरोल मैनेज करना है, उनको अपनी सेल्स ट्रैक करनी है, इन्वेंट्री ट्रैक करनी है, और अगर वो मल्टीपल कंट्रीज़ में है, मल्टीपल ऑफिस हैं, तो वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इन सब टेक्नोलॉजीज, जब हम एप्लीकेशंस और सर्वर्स की बात कर रहे हैं, इनको सिक्योर भी करना पड़ता है, राइट, ताकि हैकर्स अंदर ना अटैक कर पाए, आपकी बिजनेस की कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ना लीक कर पाए। तो जो सबसे बेसिक सिक्योरिटी कंट्रोल लगता है उसको फायरवॉल कहते हैं, एंटरप्राइज फायरवॉल भी कहते हैं। एंटरप्राइज फायरवॉल्स क्या करते हैं, वो आपकी डेटा सेंटर से जो भी ट्रैफिक आ रहा है या जा रहा है, जिसको हम नॉर्थ बाउंड या ईस्ट वेस्ट कहते हैं, इंटरनल घूम रहा है, असेंशली मोस्ट केसेज में हम नॉर्थ बाउंड यानी इंटरनेट से आने जाने वाला ट्रैफिक है, उसको नॉर्थ साउथ ट्रैफिक को हम मॉनिटर करते हैं, और वो डीप पैकेट इंस्पेक्शन करते हैं कि यानी हर जो कनेक्शन बन रहा है उसको मॉनिटर करते हैं। जैसे एग्जांपल, मैं एज एन एंड यूज़र अगर मैं किसी वेबसाइट पे जा रहा हूँ तो वो ट्रैफिक फायरवॉल के थ्रू जाएगा, उसमें मैं कोई वेबसाइट ब्राउज़ कर रहा हूँ तो वो मॉनिटर होगा, ओके। और उसके अलावा फायरवॉल्स और भी फीचर ऑफर करती हैं, जैसे अगर आपका ट्रैफिक इनक्रिप्टेड जा रहा है तो उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट पे जा रहे हैं जिसमें कोई मैलवेयर है या कोई ऐसा अटैक है जो फायरवॉल ने पहले देखा हुआ है, तो आईपीएस के फीचर भी होते हैं, कौन सी एप्लीकेशंस एक्सेस कर सकते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन या नॉन वेब बेस्ड एप्लीकेशन, वो फायरवॉल कंट्रोल कर सकती है, ओके। पर्टिकुलर वेबसाइट्स के अंदर वो पर्टिकुलर सेक्शंस या पेजेस कौन से विजिट कर सकते हैं, वो भी फायरवॉल्स कंट्रोल कर सकती है आज की डेट, ओके। तो पहले फायरवॉल्स ऐसी नहीं थी, आप फायरवॉल की हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, मैं आपको एक मॉडर्न फायरवॉल जिसको नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कहते हैं उसके कैपेबिलिटीज़ बता रहा हूँ, ओके। साथ ही साथ क्या हुआ, जिस तरह से डेटा सेंटर्स एस्टैब्लिश हुए हैं, वो हब एंड स्पोक मॉडल होता था, जिसके अंदर क्या है कि अगर कोई ट्रैफिक है यूज़र का, जैसे मैं अगर कोई वेबसाइट ब्राउज कर रहा हूँ, तो वो मेरे ऑफिस डेटा सेंटर के थ्रू के जाएगा जहाँ पे इंटरनेट लिंक है और वहाँ पे फायरवॉल लगी हुई है। तो इसके लिए एक वीपीएन नाम की टेक्नोलॉजी होती थी, तो मैं सबसे पहले एक एजेंट होती है जिसमें मैं एक अपना एक एजेंट सिस्टम पे इंस्टॉल है, जैसे मैं एजेंट को ऑन करता हूँ ऑटोमेटिकली मेरे ऑफिस के सर्वर पे कनेक्ट हो जाएगा, वीपीएन सर्वर पे। वहाँ उसके बाद जो भी मैं कनेक्शन बनाऊँगा वो सारा डेटा सेंटर के थ्रू जाएगा, ओके। अब भले ही मैं मुंबई में बैठा हूँ, बैंगलोर में बैठा हूँ, न्यूयॉर्क में बैठा हूँ, वो ट्रैफिक मेरा मेरे डेटा सेंटर के थ्रू जाएगा, भले ही डेटा सेंटर मेरे आस पास हो या मेरे से हज़ारों मील दूर हो, ठीक है। तो जो हब एंड स्पोक मॉडल में एक सिंपल सी बात है कि अगर आप ब्रांच हैं, आप कहीं पे शू सेल कर रही है, आपका कोई मॉल के अंदर दुकान है, या आप एम्प्लॉई हैं, सबका ट्रैफिक जो भी आप एक्सेस कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट बेस्ड ऐप हो या आपके खुद की डेटा सेंटर की ऐप हो, वो सबका सब डेटा सेंटर या हेडक्वार्टर्स के थ्रू जाता है। और ये मैं बड़ा हाई लेवल बता रहा हूँ, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं,
मगर कुछ वेरियंसेस होते हैं। एनीवेज, तो हब एंड स्पोक मॉडल का नेटवर्क में सिंपल सा अगेन रिटरेट करूँ कि सारा ट्रैफिक डेटा सेंटर के थ्रू जाता है, भले ही आप कुछ भी एक्सेस करें, अगर आप गूगल भी एक्सेस करें तो भी आपका ट्रैफिक डेटा सेंटर के थ्रू जाएगा। ओके, तो नेटवर्क इस तरह से बने थे। अब जैसे जैसे बिजनेसेस अपने आईटी सिस्टम्स को और ज़्यादा इंटरनेट से कनेक्ट करने लग गए तो ज़्यादा इश्यूज आने लग गए, लोग जिस तरह से घर से काम करने लग गए तो नई टेक्नोलॉजीज़ भी आने लग गई, जैसे नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल एक टेक्नोलॉजी है जो कि अलाउ करती है कौन से सिस्टम्स नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं कंपनी के। आईपीएस, डेडिकेटेड आईपीएस होते थे या होते हैं जो कि स्पेसिफिक अटैक्स को मॉनिटर करते हैं। सैंडबॉक्सिंग क्या करती है कि अगर आपकी आपके किसी आप कोई सेशन बना रहे हैं या कुछ विजिट कर रहे हैं और उसमें कुछ मलिशियस फाइल है तो वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट करेगी और बताएगी कि ये मलिशियस है नहीं, और अगर मलिशियस है तो वो उस फाइल का डाउनलोड ब्लॉक कर सकती है। डीडॉस, अगर बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है आपके वेबसाइट्स पे या आपके नेटवर्क पे तो डीडॉस टेक्नोलॉजी उसको हैंडल कर सकती है और उसको अटैक को आपकी सर्विस बंद ना हो उसे इंश्योर कर सकती है। डेटा लॉस प्रिवेंशन क्या करती है कि जो आपका नॉन सेंसिटिव डेटा है, नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा है, उनको वो मिस्टेक से कभी इंटरनेट पर ना भेज दे, उस पर वो मैनेज करती है। जैसे एग्जांपल, अगर आपकी कंट्री में या आपके कहीं भी कोई नंबर है, जैसे हमारे देश में आधार कार्ड है, आधार कार्ड का कहीं भी इंटरनेट पे कोई भी एम्प्लॉय पुश ना कर पाए, ऐसे बैंक डिसाइड कर सकता है क्योंकि वो लोग आधार डेटा रखते हैं, तो उनको डीएलपी पॉलिसीज लगानी पड़ेंगी जो हर आउटगोइंग मेल में इंटरनेट बाउंड चेक करेगी कि आधार का नंबर आया नहीं है, फॉर्मेट मैच करेगी, रोक देती है, ब्लॉक कर देगी। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स, स्पेसिफिक फायरवॉल्स होती हैं जो वेब एप्लीकेशंस अटैक्स को रोकती हैं। वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो कि रिमोट एक्सेस के लिए यूज़ होते हैं जैसे मैंने पहले बताया था, और एंड पॉइंट सिक्योरिटी जो एंड पॉइंट सिस्टम्स पे लगती है। तो आम तौर पे जो अगर आप नोटिस कर रहे हैं ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज डेटा सेंटर ओरिएंटेड थी हिस्टोरिकली, ओके, और एंड पॉइंट पे हम ज़्यादा सिक्योरिटी की चीज़ें नहीं रखते थे ताकि एंड पॉइंट चलता रहे, अपने लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स ठीक चलते रहे। ओके, फिर सिक्योर वेब गेटवे आ गए। ये जो टेक्नोलॉजीज थी ये थोड़ा स्पेसिफिकली फोकस थी वेब ट्रैफिक के लिए, क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट पे नई वेबसाइट्स, नई एप्लीकेशन आने लग गई, सैस बेस्ड एप्लीकेशन आने लग गई, तो लोगों ने वेब ब्राउजिंग ज़्यादा चालू कर दी, इंटरनेट का अडॉप्शन बढ़ा तो वेब ब्राउजिंग ज़्यादा चालू हुई। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी सिक्योर वेब गेटवे, ये अलाउ करती थी कि आप यूआरएल फिल्टरिंग कर सके, यानी कौन सी अलाउ है यूआरएल, कौन सी डिनाई है, तो बैड यूआरएल्स के डेटाबेस रखती हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं। और भी टेक्नोलॉजी मेथड्स होते हैं, बट अगर आपके कनेक्शन में कोई मैलवेयर आ रहा है उसको रोक देंगी, आप कनेक्शन में क्या कर रहे हैं उसको देखने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए SSL डिक्रिप्शन करती हैं, आप कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हैं, एप्लीकेशन टाइप पे भी कंट्रोल कर सकती थी। और अगर आप मान लीजिए किसी एप्लीकेशन पे गलती से सेंसिटिव डेटा अपलोड कर रहे हैं, जैसे मैंने जीमेल पे अगर अपना आधार नंबर अपलोड करने की कोशिश की एज एन एम्प्लॉय या मल्टीपल आधार करने की कोशिश करी, तो ये सिक्योर वेब गेटवे स्पेसिफिकली वेब पार्ट का ध्यान रख लेती हैं। और फिर कैसबी स्पेसिफिकली फोकस थी क्लाउड एप्लीकेशंस, अवेयर थी वो एप्लीकेशन पूरा देख लेती हैं क्या, कौन सी एप्लीकेशंस अक्रॉस एम्प्लॉय बेस आप यूज़ कर रहे हैं, उनमें क्या एक्टिविटी चल रही है, और क्या जो एक्टिविटी हो रही है वो सभी लोग कर रहे हैं या स्पेसिफिक यूज़र्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो यूज़र फोकस और एप्लीकेशन फोकस टेक्नोलॉजीज थी हैं। सॉरी बार बार थी निकल रहा है। तो हमने अब तक ये रियलाइज़ किया कि नेटवर्क इवॉल्व हुआ, नेटवर्क सिक्योरिटी इवॉल्व हुआ, साथ में नेटवर्क भी इवॉल्व हुआ। आप लोग खुद याद करें कि जो लोग पुराने 90s या 2000 के पासवर्ड है, सबने रियलाइज़ किया होगा कि उस वक्त इंटरलप होता था, बड़ा कॉमन था, और सिर्फ बड़ी सिटीज़ में इंटरनेट कनेक्शन होते थे। फिर नेटवर्क इवॉल्व हो गए, हम सब के घरों में कनेक्शन आ गए, LTE, 4G और अब 5G आ रहा है, तो स्टेबिलिटी और कनेक्शन की स्पीड बढ़ गई। डेटा सेंटर्स के बीच में जो कनेक्शन होते थे जो MPLS बेस्ड थे वो और इवॉल्व हो गए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, अब स्पीड बढ़ गई है। मेरे घर में 500 Mbps आता है, जो मुझे याद है कि बहुत सारी कंपनीज़ के लिए 500 Mbps भी बड़ी बात होती थी। और डिजिटल एक्सपीरियंस मॉनिटरिंग नाम की कैपेबिलिटी आ गई जो कि यूज़र एक्सपीरियंस का ख्याल रखती है। तो नेटवर्क साइड भी इवॉल्व हो रही थी, तो जिस तरह से नेटवर्क इवॉल्व हुआ साइबर सिक्योरिटी इवॉल्व हुआ, क्योंकि सिक्योरिटी इशूज़ भी इवॉल्व हुए, राइट। तो इस तरह से ये साथ में चल रहा था। अब समरी ये है अब तक कि हिस्टोरिकली नेटवर्क सिक्योरिटी के प्रोडक्ट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं, और
नेटवर्क के सॉल्यूशंस हैं जो नेटवर्क की को का एक्सपीरियंस जो है एंड यूज़र का वो बढ़ाते हैं। ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है। अब कोविड के बाद क्या हुआ कि अचानक से एक चीज़ हुई कि लोगों को घर से काम करना पड़ा और बहुत सारे बिजनेस को डिजिटल होना पड़ा। तो ये बहुत सारे बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया कि आप घर से काम करें। और अब जब लोग घर से काम कर रहे हैं तो जब मैं अब उस हब एंड स्पोक मॉडल पे जाइए वापस, और ये सोचिए अगर मैं मुंबई में बैठा हूँ या दिल्ली में बैठा हूँ और मेरा ऑफिस, मैं लेट्स से एमएनसी में रिपोर्ट करता हूँ या कलकत्ता में वो कंपनी का हेडक्वार्टर है, तो यहाँ से कलकत्ता भेजने की ज़रूरत क्या है google.com के ट्रैफिक को? या मैं कोई भी एप्लीकेशन जो US में होस्टेड है, यूरोप में होस्टेड है, उसके लिए मुझे कलकत्ता वाले हेडक्वार्टर में या मुंबई वाले हेडक्वार्टर में ट्रैफिक को भेजने की क्या ज़रूरत है? उससे इंप्रूवमेंट नहीं होता, उससे यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हो जाता है, स्पीड स्लो हो जाती है। मुझे याद है हम लोग VPN एक कंपनी में जब मैं यूज़ करता था तो इतना स्लो हो जाता था, फिर हम VPN को डिसेबल कर देते थे और फिर हम इंटरनेट ब्राउज करते थे। ये बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। ओके, बट गोइंग बैक टू द कोविड स्टोरी, कोविड में ये हुआ कि एक्सीलरेशन हो गया कि हम इतना ज़्यादा यूज़र्स जब कर रहे हैं, घर से ही सब काम कर रहे हैं, 99% यूज़र्स घर से काम कर रहे हैं और वो सारा ट्रैफिक डेटा सेंटर पे आ रहा है, तो किसी भी यूज़र को एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिल रहा। तो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी पहले से ही इवॉल्व हो रही थी, लेकिन कोविड से एक्सीलरेशन ये हुआ कि ये जो टेक्नोलॉजी है SASE, इसमें नेटवर्क और सिक्योरिटी के फीचर्स कन्वर्ज हुए। ओके, पहली चीज़ कि जो नेटवर्किंग साइट थी उसमें SD-WAN का अडॉप्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, जिसमें SD-WAN क्या है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन है, और असेंशली ये क्या करती है कि कनेक्टिविटी में हेल्प करती है। तो अंडरलाइन नेटवर्क 4G हो, 5G हो, LTE हो, MPLS हो, डेडिकेटेड लाइन, इसको नहीं पता। SD-WAN क्या करती है, SD-WAN के कंट्रोलर्स डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे यूज़र के एक्सपीरियंस के लिए जो वो एप्लीकेशन है बट सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उस पर बेस्ट पाथ क्या होगा, उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी रहेगी। अगर वो जूम यूज़ कर रहा है, टीम्स यूज़ कर रहा है, तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस उसको किस पे आएगा। ओके, SD-WAN वो डायनेमिकली डिसाइड करता है, ठीक है, और लिंक पे साथ ही साथ ये डिसाइड करता है कि वो ट्रैफिक कहाँ जाना है। अगर एग्जांपल मैं google.com कर रहा हूँ तो वो ट्रैफिक SD-WAN मेरे अगर नियरेस्ट कोई बॉक्स है तो भेजेगा नहीं, या मैं अगर ब्रांच अगर किसी साइट पे काम कर रहा हूँ या अपने घर से काम कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली मेरे को इस तरह कि मेरे ऑफिस के डेटा नेटवर्क में ट्रैफिक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो नेटवर्क साइड पर एवोल्यूशन, और सिक्योरिटी में क्या हुआ कि ये जो सारी सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज थी या ज़्यादातर ये सब एज अ सर्विस अवेलेबल हो गई। तो इंस्टेड ऑफ मैं अपनी फायरवॉल खरीदूँ जो मैं अपने सर्वर में लगाऊंगा एज अ बिजनेस, हम ये सारी टेक्नोलॉजीज अब एज अ सर्विस अवेलेबल हो गई। मतलब कि कोई प्रोवाइडर जो सर्विस ये सॉफ्टवेयर बना रहा है उससे आप कनेक्शंस, आप ये लाइसेंस ले लीजिए और अपने सिस्टम्स को पॉइंट कर दीजिए। जैसे आपने एक SASE सर्विस का एजेंट वो आपको दे देंगे, और मेरा कनेक्शन जैसे ही मैं लॉन्च करूँगा google.com, तो ऑटोमेटिकली उन जो सर्विस जो SASE सर्विस प्रोवाइडर है उसको उसके डेटा सेंटर में जाएगा या उसके नेटवर्क पे जाएगा, मेरे ऑफिस में नहीं जाएगा। मुंबई में अगर मेरा हेडक्वार्टर है तो वो मुंबई वो ट्रैफिक हिट ही नहीं करेगा। ओके, लेकिन अगर मैं जा रहा हूँ एक ऐसी एप्लीकेशन पर जो मेरे डेटा सेंटर में मुंबई में, तो ऑटोमेटिकली वो मुंबई चला जाएगा। ठीक है, अगर कोई बनता शू वाला एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ, वो जो शू कंपनी है उसने अपना एक सर्वर लेट से दिल्ली में रखा और मुंबई के स्टोर में शॉपिंग हो रही है, किस कोई यूज़र ने शू खरीदा है, तो वहाँ जो टर्मिनल पे बैठा हुआ बंदा है वो जब डेटा एंटर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली जो उसका नियरेस्ट लोकेशन है दिल्ली जाए, जहाँ पे सर्वर है वहीं पे जाएगी। ठीक है, उसको घूम घाम के कहीं से नहीं आ रहा, और जो सारी सर्विसेज हैं वो सारी एक ही कंसोल के अंडर मुझे अवेलेबल है। इंस्टेड ऑफ हैविंग मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, कंसोलिडेट होगी टेक्नोलॉजीज एक ही कंसोल के अंदर, प्रोडक्ट के टिपिकली ये सारी फीचर्स अवेलेबल है। मैं आमतौर पर हमें पॉलिसीज डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये एप्लीकेशंस अलाउड हैं, उनमें ये ट्रैफिक अलाउड है, ये DLP की फाइल्स अलाउड हैं। एग्जांपल आप आधार नंबर आप सिर्फ ऑफिस 365 पे भेज सकते हैं, जीमेल पे पर्सनल पे नहीं भेज सकते। आप का जो ट्रैफिक है वो इन URL फिल्टरिंग की कैपेबिलिटीज है कि गुड डोमेन्स पर अलाउड है लेकिन नॉन अनट्रस्टेड डोमेन्स पर अलाउड नहीं है। तो ये जो SASE है एसेंशली क्या कर रहा है कि नेटवर्क एज अ सर्विस और सिक्योरिटी एज अ सर्विस सब कुछ ऑफर करता है, और उसमें अगर कोई इसको मलिशियस एक्टिविटी लगती है तो उसको ब्लॉक करता है और यूज़र का एक्सपीरियंस बढ़ाता है। तो जो मार्केट है वो कन्वर्ज हो रही है। तो एसेंशली जो मेरा एनालिसिस है कि जो कंपनीज पहले पॉइंट प्रोडक्ट करती हैं, जैसे आप जानते हैं कि मैंने पहले भी अपनी जो इनिशियल वीडियोज़ में बोला है कि अराउंड 6000 साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, हर कंपनी एक पर्टिकुलर एक या दो या तीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। जब आप ऐसे सर्विस आ रहे हैं SASE में, तो
एक ही कंपनी वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक ही सॉल्यूशन के थ्रू आपको ऑप्शन दे रही है. तो दैट्स व्हाई सासी इज वेरी पॉपुलर राइट नाउ, बिकॉज कंपनीज आर सिंग, अरे मुझे 5-6 प्रोडक्ट्स मैनेज नहीं करने, उनके लिए 5-6 इंजीनियर्स को चेंज नहीं करना, जिन इंजीनियर्स को मैं बार बार ट्रेन करता हूँ, इससे अच्छा है कि मेरा सिर्फ मुझे पॉलिसीज पे ध्यान रखना है कि ये अलाउड है, ये डिनाइड है, ये पर्टिकुलर सिनेरियोज है जो मेरे बिजनेस के लिए रेलेवेंट है, और उनको मैं एज अ टेक्निक टेक्नोलॉजी एज ए रूल्स एज अ पॉलिसीज मैं अपनी सासी सर्विस के अंदर डिफाइन कर सकता हूँ या नेटवर्क सर्विस में डिफाइन कर सकता हूँ. तो ये है सासी सिक्योरिटी सिक्योर एक्सेस सर्विस. तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें सिक्योरिटी एज ए सर्विस. ओके, तो जब भी आप कभी कभी सासी प्रोडक्ट देखें तो उसमें बेस्ट सिक्योरिटी फीचर्स देखिए, क्योंकि वो ये नहीं हो रहा है कि वो ऐसा ना हो कि आपके जो ऑन प्रिमाइज आप जो सिक्योरिटी मॉनिटर कर रहे थे और जो क्लाउड पे दे रहे हो उसमें कंट्रोल्स में डिफरेंस हो. ओके, आई होप आई वॉज एबल टू क्लैरिफाई दिस. कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेरे ट्विटर हैंडल या यूट्यूब चैनल पर या आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल, मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं. With that, I thank you for all the sources of these images, and I'll see you next time. Keep learning.